तो क्या आप भी डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं और आप उन टीचर्स की तरह परेशान हैं जहां पे वो अपने क्लासेस को ऑनलाइन लेना तो चाहते हैं, अपने कंटेंट को डिजिटल बोर्ड पे देना तो चाहते हैं, बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम डिजिटल बोर्ड कहां से लें और साथ ही साथ में जहां से मुझे एक अच्छी सर्विसेज मिल जाए, बिकॉज ये हार्डवेयर है, विदाउट सर्विसेज आप इसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सर्विस एंड सपोर्ट बहुत ही रिक्वायर्ड है, से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जहां आपको एक अच्छे हार्डवेयर के साथ साथ एक अच्छी सर्विसेज भी मिले और वो भी बेस्ट प्राइस में, तो वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इसका कहां एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ में आप कहां एक अच्छे प्राइस में एक अच्छे सपोर्ट के साथ डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं धीरज, स्मार्ट इन्फोविजन पटना ब्रांच से। तो जहां भी आप देख रहे हैं कि भाई पटना में डिजिटल बोर्ड कहां मिलता है, जी हाँ, कि भाई जहाँ पे आप आके प्रॉपर चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पाएँ, बिकॉज एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है कि जब आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हों तो वहाँ राइटिंग क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ DHIRAJ, तो देख रहे हैं कोई लैकिंग नहीं है। और ऐसे ही आपको मल्टीपल क्वालिटीज़ में यहाँ पे डिजिटल बोर्ड एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। जैसे ये मैं 75 इंचेस का यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे आप 55 इंचेस, 65 इंचेस, 75 इंचेस, 86 इंचेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आपका एक स्टूडियो का प्लान है, जैसे आप देख रहे हैं प्रॉपर मेरे फेस पे लाइटिंग है, यहाँ पे आप प्रॉपर लाइटिंग देख रहे हैं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइटिंग कैसे होता है कंप्लीट सेटअप में जब आप ऑनलाइन सेटअप बनाते हैं, कैमरे की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, मल्टीपल कैमरे की कैटेगरीज को, माइक की कैटेगरीज को, जैसे मैं बेंचमार्क का माइक यूज़ कर रहा हूँ, सामने मैं 4K PDZ कैमरा यूज़ कर रहा हूँ बेंचमार्क का, ठीक है। उसके साथ में आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, अगर आपके पास लैपटॉप है आप यहाँ पे लेके आते हैं, हमारी जो टीम है टेक्निकल टीम वो उस पर R&D करती है, बताती है कि आपका ये चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब सारी तरीके से आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है। और इसके साथ में आप चीज़ों का अगर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियोज़ में हम कितना भी चीज़ों को देखें बट उतना प्रॉपर तरीके से हम नहीं देख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो जब यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करते हैं आके, तो आप वो चीज़ समझ पाते हैं कि आपके यूज़फुल का है नहीं, जो क्वालिटी आप लेना चाहते हैं वो क्वालिटी आपको मिल रहा नहीं मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये तो हार्डवेयर है, उसके साथ साथ आपको सर्विसेज कैसे मिलने वाली हैं, टीम है या नहीं है, ये मार्केट में कितने टाइम से काम कर रहे हैं, ये कितने लोगों को सर्विसेज दे पा रहे हैं, कितनी बड़ी टीम है, मार्केट गुडविल क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। और हमारी जो कंसल्टेंट टीम होती है वो आपको गाइड भी कर पाती है कि आपके लिए क्या बेटर होगा, ठीक है। तो आप पटना में हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है कम्प्लीटली, जहाँ पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर नीचे आपको मैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं स्मार्ट इन्फोविजन पटना, वहाँ पे आपको पटना का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी डाउट होता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और तो ये तो हार्डवेयर, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर परचेजिंग द डिजिटल बोर्ड बाई करने के बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आती हैं कि कैसे आपको डिजिटल बोर्ड को चलाना है। तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर परफेक्ट ट्रेनिंग चाहिए जहाँ पे चीज़ों को आप समझ पाएँ, इसका यूटिलाइज़ कर पाएँ, बिकॉज अगर आपने स्मार्ट बोर्ड लिया है स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो फटाफट अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड का, वो भी पटना में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करें या मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कंसल्ट करेगी और आपको गाइड करेगी एक्सपीरियंस सेंटर में आने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए सही रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।